हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे विलंब हुआ इस प्रश्न पत्र को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में। तो फाइनली मैं लेकर के हाजिर हूँ कक्षा 11वीं का इंग्लिश विषय का प्रश्न पत्र। बच्चों, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है और एक्चुअली मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा। आप केवल अपने आंसर मैच कर लें और अपना आंसर मिला लें, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न पत्र। आप देख सकते हैं मैं स्पीड में निकालते जाऊंगा, प्रश्न पत्र तो आपको पता ही है। तो ये पहला पैसेज आया था, इस पैसेज को आपको पढ़ करके इसके आंसर आपको देने थे। तो इस पैसेज को आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ था। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर थे ये बने थे, ये 4 पॉइंट है। पहली बार एमपी बोर्ड में ये इंग्लिश क्लास का एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है इंग्लिश में, तो इस साल बच्चों को बहुत ही दिक्कत गई है इंग्लिश क्वेश्चन का प्रश्न पत्र हल करने में। मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रश्न पत्र के हल प्रस्तुत किए हैं, देखेंगे आप। प्रश्न पहला जो है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द ऑफ द पैसेज, ये जो पूरा है तो इसका पहले का ए का है सेकेंड थर्ड उत्तर थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। फिर बी है जो बी का है फोर्थ वाला ऑल द अबव, ठीक है। फिर उसके बाद नोवल टेक द रीडर टू ब्लैंक 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 पूरा मिला लीजिएगा, ये है इसका फर्स्ट वाला। फिर जो डी वाला है, डी का है दीज बुक प्रोवाइड ग्लैमर एंड रोमांस। फिर ई है, ई का है सेकंड वाला ऑप्शन अवॉइडेबल, ठीक है। फिर एफ का है, एफ का लास्ट वाला एग्जर्शन, ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ था, सेकंड पैराग्राफ में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था हाउ डज द रीडिंग ऑफ नोवल इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ अ रीडर। तो इसका आंसर ये पूरा आपके सामने है, नोवल रीडिंग इज द मोस्ट पॉपुलर पास टाइम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, द अट्रैक्शन ऑफ नोवल लाइज इन द एबिलिटी टू क्रिएट इंटरेस्ट टू सर्टेन, ये सस्टेन पूरा लिखा हुआ है बच्चों, इसको आप देख लें और नोट कर लेंगे अच्छे से। आप नोट कर लीजिए ये पूरे उत्तर हैं आपके पास, सेकंड का भी उत्तर लिखा हुआ है, बी का है फर्स्ट प्लेजर, सेकंड का इंटेलेक्चुअल, ठीक है बच्चों, ये है पूरा का पूरा। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न पत्र था, फिर से एक पैसेज आ गया था, बच्चे कन्फ्यूज हो गए 11th क्लास में, पहली बार ऐसा प्रश्न पत्र देखा है उन्होंने। इसमें थोड़ा सा टिपिकल आपको दे दिया गया था, तो आप परेशान ना हो, आप उत्तर नोट कर लें और ये पूरा पैसेज आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है, इसको आप देख लें। पूरा पैसेज में पूरे 5-6 पॉइंट दिए हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन बन रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट ऑफ द गिवन चॉइसेस। तो ए रहा, व्हाई डू यू नॉट गो टू बाय अ पोस्ट कार्ड ऑन एन इनलैंड लेटर, क्यों नहीं लेने जाते हैं आप लोग अब पोस्ट कार्ड खरीदने, बिकॉज इसका सेकेंड वाला है, बिकॉज यू यूज़ फोन एंड ई मेल। अब हम मोबाइल और फ़ोन का और ई मेल वगैरह का यूज़ करते तो कौन लेटर का यूज़ करेगा, इसलिए ठीक है, तो हम लेटर का यूज़ नहीं करते। तो आप देख लें ये पूरे प्रश्न लिखे हुए हैं, इसके उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये पूरे लिखे हैं। सेकेंड का सेकेंड में क्वेश्चन सेकेंड में दो पैसेज थे सॉल्व करने थे, तो फर्स्ट पैसेज आपके सामने सॉल्व करा है, तो ए का है दूसरा उत्तर ये लिखा हुआ, बिकॉज यू यूज़ फोन एंड ईमेल। हम ये भी लिख सकते थे बिकॉज वी यूज़ फोन एंड ईमेल, ठीक है। फिर बी का फर्स्ट वाला है साइबर क्राइम, फिर सी का सेकेंड वाला है अ काइंड ऑफ ईमेल, फिर डी का है सेकेंड वाला, डी का सेकेंड वाला अ काइंड ऑफ सॉरी पंचायत विल टर्न टू यूज कंप्यूटर, फिर ई का है फोर्थ वाला इरिटेटिंग, और एफ का है फोर्थ वाला एवराइज, ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लें सेकेंड का फर्स्ट वाला। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड के सेकेंड वाले के ऑप्शन की, ठीक है। तो सेकेंड का जो सेकेंड है ये पूरा लिखा हुआ है, सेकेंड के ए में आपको दो ऑप्शन देने थे, इसमें प्रश्न था ये रहा प्रश्न, गिव टू एग्जाम्पल टू शो द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस लास्ट डिकेड्स, ठीक है। तो इसका उत्तर है ये दिए हुए हैं, मैंने दोनों लिख दिए फर्स्ट और सेकंड नंबर डाल के। फिर सेकंड ऑप्शन का प्रश्न था हाउ कैन अवर पैराडाइज डिजनरेट इनटू अ हाइटिजियस फिर राइट में नाइट मेयर सॉरी तो नाइट मेयर रहा। तो इसका उत्तर है ये सेकंड वाला दिख रहा है, आप देखें कि अवर पैराडाइज कैन डिजनरेट इनटू अ हाइटिजियस नाइट मेयर डेट इज फाउंड टू हैपन वैन टेक्नोलॉजी, पूरा आपके सामने है, आप देख लें इसको समझ लें। एक्चुअल मैं बोल रहा हूँ आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे हल्का सा दर्द है गले में, बुखार भी है फीवर सा, तो ठीक है, नहीं नहीं कोरोना नहीं हुआ होगा, ठीक है, सर्दी जुकाम है, केक खा लिया था बर्थडे पार्टी में तो इसलिए सर्दी हो गई है, उसके कारण सिर भारी है और गला भी जाम है। देखेंगे अब हम, हमारे जे आ गए हैं आपके सामने,
फिल इन द ब्लैंक्स ब्रैकेट्स आ गए हैं, तो इसमें हम देखेंगे यू आर एक्सेप्टिंग ब्लैंक वन ऑफ द कॉल। तो इसमें पूरे आंसर में एक बार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला है जो, तो फर्स्ट वाले का उत्तर होगा सम, आप मिला लेंगे। फिर सेकंड वाला है तो सेकंड वाले का लिटिल हो जाएगा। थर्ड है थर्ड का मैनी, फोर्थ का एनी, फिफ्थ वाले का वॉन्ट्स, ठीक है, सिक्स वाले का आ जाएगा हैव बीन प्लेइंग, सेवन्थ वाले का रोट, और एट्थ वाले का आ जाएगा एनी। आपको कोई सेवन करने थे, आप कोई सेवन आप लोग इनमें से अटेम्प्ट कर लें और इसको आप फिनिश कर देंगे। पूरा लिखिएगा, मगर जैसे मान लो पहला वाला है यू आर एक्सपेक्टिंग ब्लैंक, तो ब्लैंक की जगह आप सम लिखते हैं, सम वन ऑफ कॉल आरंट यू, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा डिजाइन करना है। फिर आया था क्वेश्चन नंबर एट, डू एज डायरेक्टेड एनी वन, कोई दो में से कोई एक करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, कितने सिंपल दे दिए थे और बोल रहे हैं एक करना है, ठीक है। तो डू एज डायरेक्टेड रहे फोर्थ वाले, फिफ्थ वाला देखेंगे रीड द एक्सट्रैक्ट। तो बच्चों अब यहाँ इसके बाद आपको मैं एक के बाद एक नहीं बताऊंगा कि फोर्थ का उत्तर दिया, फिर फिफ्थ का उत्तर बताया, प्रश्न बताया, फिर फिफ्थ का, फिर सिक्स का। मैं यहाँ पे अब आपके सामने पूरा वीडियो प्रस्तुत कर दे रहा, फोर्थ से लेकर के क्वेश्चन नंबर नाइन तक, लास्ट तक के पूरे क्वेश्चन के आंसर एक के बाद एक आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। पहले हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। फोर्थ का आंसर है दी, इसमें आपका दिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो ये है पूरा, आप ऐसे लिख देंगे, चाहे तो आंसर लिख दें, चाहे तो आप पूरा का पूरा लिख सकते थे। फिर मैं एक चीज़ कहूँगा बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को हमारे शेयर कर दें, अपने फ्रेंड लोगों को भी अवगत करा दें कि हमारे आंसर अवेलेबल हो चुके हैं। फोर्थ वाले का आंसर देख लेंगे, कोई एक करना था, आप दोनों चाहें तो दोनों कर सकते हैं। ही डज जॉब बेटर देन हिज ब्रदर, आई डिड नो नॉट नो, ठीक है, पूरा आपके सामने जो आके चला गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव वाले को, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव वाले का हम आंसर देख लेंगे, ये पूरा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव। इसके सामने जो आंसर बनेंगे ये है, ए के अंतर्गत ए बी सी तीन ऑप्शन आपने दे देंगे, यहाँ पे आप ये लिख देंगे आप फोटोग्राफ, बी का आंसर है स्टाइली टॉल्सन, ठीक है, जो कुछ भी है आंसर आप देख लें, पूरा स्पेलिंग लिखी हुई है। सी है द कार्डबोर्ड रेफर टू अ फोटोग्राफ, सी वाले का आंसर। फिफ्थ वाले में जो रहा, सी वाले में प्रश्न क्या पूछा गया था, उसमें बोल रहे थे डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच, ठीक है, ये रहा, आप इसका उत्तर आप दे देंगे, आपने लिख दिए यहाँ पे। फिर बी वाला जो रहा, बी वाले का है सडननेस आ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। एक्चुअली मेरे पास जो प्रश्न पत्र है बच्चों, उसमें थोड़ा सा क्लियर आ नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपसे एक काम करें, सीधे सीधे आप उत्तर नोट कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने पूरा वीडियो प्रस्तुत होने वाला है, आप देखेंगे स्पीड में मैं आप निकालता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा पूरे क्वेश्चन के आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के आंसर हैं, फर्स्ट का है जो ए का है उत्तर खुशवंत सिंह, बी का है द ऑथर्स ग्रैंड मदर, फिर सी है बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, ठीक है, फिर प्रोज एक्ट था जो बी वाला, उसके पहले का उत्तर है इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ठीक है। फिर आप बी वाले के देखेंगे आई मिस्ड वेरियस थिंग्स सो क्विकली देम सी टोल्ड मी, सी है द ऑथर मदर टोल्ड अबाउट मिसेस डार्लिंग, ठीक है। फिर है एक्सट्रैक्ट सी है, बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सी का भी उत्तर आप देख लें, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका आ रहा है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सेवन्थ वाला है, सेवन्थ में आपको बताना था, इसमें था सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट योर नोटबुक, ठीक है, इसमें आपको बताने थे इसके उत्तर सॉल्व करके। तो सेवन्थ वाले का हम आंसर देख लेंगे, फर्स्ट का है सी 9022, ठीक है 1922। फिर सेकंड का ए है कैप टाउन इन अफ्रीका, फिर सी है फ्रांस, ठीक है, फिर डी है क्वाइट साइलेंट, फिर डी है नरेटर मदर एंड हर कजिन, फिफ्थ वाले का डी, फिर सिक्स का ए है द रैन, ये रहा सेवेंथ हो गया। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट को हम देख लेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर एट आपका। इसमें आपको
पैसेज दिया था पूरा आपका जो पार्ट फोर्थ स्टार्ट हो गया है एक्चुअली में, है ना, 40 नंबर का है पार्ट, सेकंड स्टार्ट हो गया 40 नंबर के, इसको सेक्शन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये पूरा है, रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट, तो पूरा नोट्स बताना था। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें समरी लिखनी थी, आप देख लेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था यू आर नरेन नम्रता द कल्चरल सोसाइटी, पूरा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है प्रिपेयर पोस्टर बनाना है 3rd नंबर में। 4th में राइट अ लेटर टू कलेक्टर, कलेक्टर से आपको लेटर लिखना है या उसके अथवा में प्रिंसिपल को आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5th था 120 से 150 वर्ड में आपको इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करना था या फिर एक आर्टिकल लिख देना था एन एक्सीडेंट के बारे में, मैंने आपको एन एक्सीडेंट का आर्टिकल समझाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा 6, 7, 8 और 9, ठीक है बच्चों। तो अब आपको वीडियो में आगे पूरे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, आगे की जर्नी आपके साथ रेगुलर चलेगी। एक्चुअल मेरे, मैं आपसे जैसा कहा कि मुझे थोड़ा सा फीवर है और आज मैं बोलने में सक्षम नहीं। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्या आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बन नहीं रहा, क्या आपसे बनता नहीं है। बच्चों मैं टीचर हूँ, मुझसे सब बनते हैं, अब तबीयत ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँ, मुझे फीवर आ गया थोड़ा सा। तो आगे का वीडियो आपके सामने पूरा प्रस्तुत होता जा रहा है बच्चों, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये समरी है, वी नीड ऑफ मनी फॉर सर्वाइव अर्निंग, सॉरी क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक्चुअली में मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप स्पेलिंग मिला के आप पूरा कर लीजिएगा। बच्चों आगे का वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक्चुअली मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। वीडियो पसंद आया लाइक करना ना भूलें, पूरा प्रश्न का उत्तर पूरे लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ये देखते पूरा आता जा रहा है, स्पीड में मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था, पोस्टर बनाना था, इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन अवर्ट, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में है, ठीक है बच्चों। आप देख लीजिएगा पूरे वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए दीपन सर को आज विदा दीजिए क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकता। वीडियो पूरा आता जा रहा है आपके लिए, मैं वीडियो पूरा प्रस्तुत चलेगा, 15 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट हो गए हैं, अब मैं यहां से आपसे विदा चाहूंगा। आप आगे का वीडियो देख लीजिएगा और पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। बच्चों आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको पता भी चल रहा होगा मेरी आवाज़ से कि आज थोड़ा सा मैं बील नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो बच्चों मिलता हूँ बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन में। और हाँ एक बार फिर से, क्योंकि आपका आखिरी पेपर है अब, तो आप लोग कई लोग तो अनसब्सक्राइब करने लगे चैनल को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, नुकसान आपका ही, क्योंकि आप लोगों को आगे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल में प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप पुराने वीडियो देख सकते हैं लास्ट ईयर के, कि मैंने वीडियोज़ डाले हैं और बहुत सारे बच्चों को फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको चैनल पे हमारे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वार्षिक परीक्षा में आपको फ़ायदा होने वाला है। आपके कोई छोटे भाई बहन है 9th से 12th तक के, तो उनको भी आप बता दें, ठीक है बच्चे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।